ओम शांति। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके पसंदीदा शो एक मुलाकात में। मित्रों, अगर हम आपको कहें कि भाई हम आपको एक ऐसी सीट देते हैं जहां से बैठकर आपको किसी के जिंदगी का फैसला करना है, विशेषकर ऐसी परिस्थिति में जबकि वो परिस्थिति बहुत ही संगीन, बहुत ही संवेदनशील है और आपके फैसले का असर उस व्यक्ति के पूरे जीवन पर पड़ने वाला है, तो क्या करेंगे आप? क्या आप ऐसी सीट लेंगे? क्या आप ऐसे निर्णय देना पसंद करेंगे? नहीं ना? तो हमारे आज के मेहमान एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें भरपूर निर्णय शक्ति है और जिनके निर्णय का सभी सिर आंखों उनको मानते हैं, उसका पालन करते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। आप हैं वीरगंज नेपाल से हाईकोर्ट जज मोहन बहादुर कार्की जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि हम जब अपनी बात हमारी होती है, हमारी परिस्थिति की बातें होती है, तो हम अपने वकील बन जाते हैं जी। पर जब किसी और की बात होती है तो हम बहुत तुरंत जज बन जाते हैं, जजमेंट पास कर देते हैं। तो ये जजमेंट पास करना एक तरह से बहुत ईजी होता है जी। बट रियल लाइफ में जज बनना क्या उतना इजी है? देखिए, क्या है कि दूसरे को कहने पर ने दूसरे को कुछ सलाह देने पर वो इजी है, लेकिन स्वयं अपने ही मिलाने, अपने ही निभाने में कुछ कठिनाई होता है। तो जज जो बोलते हैं, जितना हल्का से हम लोग लेते हैं उतना हल्का भी नहीं है जी। एक एक्सपीरियंस मुझे है, मैं जो अभी ये हाईकोर्ट जज में 8 साल से कार्यरत हूँ, लेकिन मेरा ये जुडिशियरी में 32 ईयर्स इन्वॉल्व हो गए, लेकिन इससे पहले मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैडर से आए। जब मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलिए कि गवर्नमेंट लॉयर, तो उस तरह से हम देखते हैं वो सबसे ज्यादा कठिनाई तो हम ही लोग को है, लेकिन जज को तो बहुत ईजी है। उसको तो 2 लाइन लिख देना है, उसको कन्विंसन करना है और नहीं करना है, इतना ही। लेकिन जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से हम इधर आए, कन्वर्ट कर जज में आए, तब बोलते हैं द प्राइवेट लॉयर और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों जो बहस करने के बाद जो डिसीजन में पहुंचते हैं, उस समय में बहुत मुश्किलें आ जाती है कि सही में जज क्या है, जजमेंट क्या है। जस्टिस देना है, वही पार्टी को भी जस्टिस देना है। जस्टिस देने में उतना हल्का नहीं है कि उसके सही में जस्टिस पड़े, इसीलिए इतना हल्का बात तो नहीं है। लेकिन उसको परिवेश देखना है, उसको लॉ देखना है, कमी कमजोरी देखना है, सभी को मूल्यांकन कर उसको जस्टिस देना है। लेकिन जस्टिस देना उतना हल्का भी नहीं है, कुछ और बात है। मैं आगे आपसे पूछना चाहूंगी कि अक्सर करके हम जैसे नॉर्मली बात करते हैं कि हम कहते हैं कि हमको झूठ बर्दाश्त नहीं है, हम कहते हैं कि ऐसे लोग जो झूठे हैं हम उनसे मिलना नहीं चाहते, उनको देखना नहीं चाहते, तो इस तरह का मनस्थिति हमारी हर वक्त बनी रहती है जी। पर आप जो है एज अ जज हर वक्त उन लोगों के बीच हैं जहाँ झूठ सच हर वक्त चल रहा है, इसको आप कैसे डील करते हैं? जो जज का चेयर में बैठते हैं और चेयर के बाद में, ये दोनों के सिचुएशन अलग होती है। जब चेयर के बाद में अलग रहते हैं तो एज ए नॉर्मल पीपल उस समय में हम कुछ भी बोल लें, कुछ सच भी बोल लें, कुछ झूठ भी बोल लें, और बात है। लेकिन जज का जो चेयर है ना, उसमें इतना ताकत है, इतना शक्ति है, वहाँ बैठने से समझिए कि वहाँ कोई गॉड उसमें बैठा हुआ है। अपने अब उसमें एक ताकत एनर्जी पैदा होता है कि अगर हम चाहूँ तो उसमें जो शब्द बोल झूठ बोलूं, लेकिन अंतर आत्मा से वो झूठ बोलने के लिए हिम्मत नहीं होता है। नहीं, मेरा प्रश्न आपसे ये था कि उस जगह पे एज अ जज आप बैठे हैं, आप जब ये सब सुन रहे हैं, कई बार अंदर से ऐसा फील होता होगा कि झूठ भी बहुत सुनना पड़ रहा है, तब आप उस चीज को कैसे बर्दाश्त करते हैं? ओपन होता है जब केस के ऊपर में बहस ओपन होते हैं, 2 पार्टी है, पक्ष विपक्ष, उसमें वकीले सब बहस करते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बहस करते हैं, एक पार्ट में से एक पक्ष वकील के वो झूठ बोल रहा है, वो सही नहीं है, एक तरफ के वकील वो सच बोल रहे हैं, लग रहे हैं, लेकिन उसको बोलना, उसको सुनना हम लोग को भी कोई फर्ज है। अगर उनको इंटरप्ट कर दें, मत बोलो
क्या बोल रहा है, मेरा फर्ज ही बोलना है, बहस करना है, यही बहस नहीं करें तो क्लाइंट पीछे है, तो क्लाइंट मुझे क्या बोलेगा, मेरी तरफ से कुछ बहस पैरे भी नहीं हुआ है, वो बोलेगा, लेकिन उसमें हम लोग कुछ बोलते हैं, ये बात जो आप बोल रहे हैं ये बात सही नहीं है, इस तरह से जाइए, उसको हम मोड़ देते हैं, तो मोड़ देने में वो समझ जाता है, लेकिन उसमें करेक्शन कर वो बहस करता है। टॉयलेट करना हम लोग को भी कुछ वो सीखना पड़ता है, करना है, ताकत रखना चाहिए। सर, कानून की अगर हम बात करें तो ये चीज जो आप जजमेंट पास करते हैं नॉर्मली, ये बेस्ड होता है एविडेंस पर, फैक्ट्स पर, विटनेस क्या बोल रहा है, किस तरह की बातें चल, मतलब वो सब चीजों पर डिपेंड करता है। कई बार अंदर से हम जानते हैं, जो क्रिमिनल है मान लीजिए वो छूट जाता है, आप अंदर से जानते हैं कि क्रिमिनल ये है या इस तरह से, पर फिर भी वो आपको छोड़ देना पड़ता है, इस तरह की परिस्थिति क्या आपके साथ आती है? कभी कभी आ जाती है, ऐसा नहीं कि इस वक्त स्थिति परिस्थिति नहीं आई, आते हैं, लेकिन ये बात सही है कि हम लोग कानूनी राज्य है और कानून में एविडेंस देखना है, कानून देखना है, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि कानून नहीं उसका पीछे है, उसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन निर्दोष है, इनोसेंट है, तो इनोसेंट की हम लोग जेल भेज दें, उसको पनिश करें, वो भी तो जज नहीं है, तो इसीलिए उसको हर सगवर हम लोग क्या देखते हैं, एविडेंस देखते हैं उसके सपोर्ट में है या नहीं, अगर एविडेंस उसको कमजोर है, उसको परिस्थिति इन्वायरमेंट देखते हैं, वास्तव में उन कौन इन्वायरमेंट से आए हैं, उसका फैमिली इन्वायरमेंट कैसा है, उनका बैकग्राउंड कैसा है, उन कौन सा सिचुएशन में यहाँ आई है, समझिए कि किसी को कोई दो आदमी मिलकर उसको फंसा रहे हैं, उसको जकड़ रहा है, ऐसा भी होता है कभी जजमेंट की बर्म इंसाफ, जो क्या आता है जज को अंतर आत्मा में क्या बोल रहा है, निर्दोष है, फिर भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो निर्दोष है, तो निर्दोष है तो उसको हम लोग को सफाई देना है, उसको छूट करा कर देना है, अगर वो दोषी है उसको कन्विंस कर रहा है तो उसको हम लोग ठहराएंगे, तो उसको पनिश करते हैं, लेकिन जजमेंट करना उतना आसान नहीं है, इसको सभी को इवैल्यूएशन करना है, क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, इस सभी को एक तरह से मूल्यांकन कर उसको जजमेंट करना है। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि उसका बैकग्राउंड, वो क्या स्थिति में था, क्या उसकी परिस्थिति थी, वो सब चीजों को जानने के बाद आप जजमेंट देते हैं, तो एक तरह से उसकी सपोर्ट में मान लीजिए एविडेंस नहीं भी है तो भी आप इन सब चीजों को समझते हैं, इन सबको इम्पोर्टेंस देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इनोसेंट है उसके ऊपर कोई कैपिटल पनिशमेंट्स नहीं होता। मैं आगे आपसे पूछना चाहूँगी कि कई बार हम ऐसे भी कहते हैं कि ये जो काम मुझसे हो गया जी, तो अब मेरा ज़मीर मुझे माफ़ नहीं करेगा, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। कई बार ऐसी परिस्थिति आपके सामने भी आती होगी कि आपको किसी को कैपिटल पनिशमेंट्स देनी पड़ती होंगी, एक आत्मा दूसरी आत्मा का बट कत्ल करने की वो जजमेंट आपको पास करनी पड़ती है, नॉर्मली ये काम परमात्मा का है बट अभी जो हमारी जो सिस्टम है उस हिसाब से आपको दिया जाता है, आप ये काम करते हैं, क्या चैन से रात को फिर आपको नींद आती है? कि हमारी नेपाल में कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल उसको हटा दिया, दूसरी जगह डेथ कंट्री में है लेकिन हमारा कंट्री में नहीं है। अब रहा कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं रहने पर इसको उम्र कद जो बोलते हैं, उम्र कद का प्रोविजन है, तो उम्र कद का कभी कैसा है, ये दोषी है, इनके काम किया है, इनके किसी को कत्ल किया है, उनको पीछे एविडेंस है, जो उस सही में हम जजमेंट दे रहे हैं उसमें क्या है, आत्मसंतुष्टि मिल रहा है, मिलते हैं, उसमें हम लोग को संकोच नहीं होता है, वो रियली में दोषी है। अगर कोई भी परिस्थिति कैसे होते हैं बॉर्डर लाइन का जी, क्या है कि एविडेंस उसका सफिशिएंट नहीं है, कैलकुलेशन कर क्या अंतर आत्मा में क्या लग रहा है, एक कुछ निर्दोष है, इसकी किसी को कोई भी फंसा रहे हैं, लेकिन हमारा देश में एक प्रोविजन है जी, उनकी इनको ठहराते हुए भी हम लोग उसको घटा सकते हैं, ठीक है, उसको उम्र कद नहीं कर, उम्र कद कर देते हैं, लेकिन बाद में उनको इसका परिस्थिति, इनका अवस्था, इनका उमेर, इनकी
फैमिली कंडीशन इस सभी को मूल्यांकन कर कर इनको इतना बरस छोटा थोड़ा जिस तरह से वो टॉलेट कर सके इसी में हम लोग ऐसा भी जजमेंट कर देते हैं। अजय साहब, ऐसा भी कहा कहने में आता है कि जिस तरह से किसी को कोई कोई है, उसके संस्कार इस तरह के हैं, थोड़ा क्रिमिनल माइंड है, थोड़ा उस तरह की चीजें हैं, अब उसने कोई गलती कर दी, हमने उसको सजा सुना दी, उसको जेल हो गई, इतने साल जो वो वहाँ एक बंद जगह पे रहा, तो वो पूरी दुनिया को फेस कैसे करेगा? आपको लगता है कि इसमें कुछ सिस्टम में चेंज लाना चाहिए क्रिमिनल्स को लेकर जो जजमेंट पास? रियली बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल में भी है। जो जेल, जेल क्या है, ये सुधार गृह है, रिफॉर्म। जेल में रहने के अर्थ क्या नहीं है, उसको कठोर और उसका क्रिमिनल बनाए, उसको मोटिव नहीं है। जेल का अर्थ को सुधार है, रिफॉर्म किया जाए। अगर कोई क्रिमिनल वहां जाएंगे तो उसको सुधार नहीं है, मोटिवेट भी करना चाहिए उनको। जेल में भी हम लोग को, ये शायद इंडिया में होगा, नेपाल में भी है, तो बहुत सा इनको मोटिवेशन करने के लिए सत्संग भी है, इनके कुछ प्रवचन भी करना चाहिए, उनको विजुअल भी दिखाना चाहिए, उनको मोटिवेशन भी किया चाहिए किस तरह से उस सुधार करें, एक बात। दूसरी बात, जेल में रहने से वो समाज में जो लौट आएंगे कि उस सुधार होंगे कि नहीं, तो उनको कितना वर्ष, समझिए कि 10 वर्ष का जेल हुआ, 10 वर्ष के आने बाद में उनको रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं समाज में आएंगे तो मेरा जो रेस्ट जीवन है उसमें मैंने सुधार करना चाहिए। इनके लिए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, तो सत्संग उसको चाहिए, उसको मोटिवेशन, किस तरह से मोटिवेशन उसको करना चाहिए। मोटिवेशन में अब ये जो ब्रह्म कुमारी योग है, इनके मोटिवेशन में बहुत इफेक्टिव है। अगर इस तरह से उसको सत्संगत हो जाए, उनको ज्ञान मिल जाए, तो निश्चित रूप में वो सुधार सकता है। तो आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव की जरूरत है कि क्रिमिनल्स को जैसे हम हैंडल करते आए हैं, उसमें एक बहुत बड़ी चेंज की जरूरत है। मैं आपसे अभी और जो मैंने अपने प्रश्न पूछा था उसमें थोड़ा मैं डीप जाना चाहूंगी कि जो हमने बात कही कि वो एक बंद कोठरी में इतने सालों रहा, अब वो जो बाहर निकलेगा और उसको जो दुनिया को सामना करना है, ठीक है सत्संग उसने किया, सब किया, पर वो परिवेश से बिल्कुल कटा हुआ रहा दुनिया से, अब वो बाहर निकला है, अब वो फेस कैसे करेगा? आपको नहीं लगता कि वो जब बाहर निकल गया तो उसके बाद भी कुछ उसको हेल्प गवर्नमेंट के थ्रू मिलती रहे? ये जो क्या है, जेल रिफॉर्म अंतर्गत उसको ओपन सोसाइटी की सिस्टम बनाना चाहिए कि वो जेल में बैठा है, जेल में निकलने से एक ही बार उसको बाहर नहीं लाकर, उसको जो 20 साल उसको कैद किए हैं तो उसको 5 वर्ष उसको जो रेस्ट बाकी है उसमें ओपन जेल सिस्टम बोलते हैं, वहां लाकर एक सोसाइटी में उसको भिजाना चाहिए। दिन भर बाहर जाओ, फिर अंदर आओ, साँझ में वहां बैठो, कि उस सोसाइटी से कैसे मिल सकते हैं, उसको एटीट्यूड ध्यान बुझना चाहिए। जो ओपन सिस्टम है, ये सिस्टम भी लाने की प्रयास तो कर रहे हैं हम लोग नेपाल में, लेकिन वो 100% सक्सेस नहीं हो रहा है। तो इसका बाद में 5 वर्ष के बाद में उसको धीरे धीरे सोसाइटी में हम लोग भिजाते जाते हैं, उसको नजदीक लाते जाते हैं। अब क्या समझते हैं कि अब इसको छोड़ने से, उसको बाहर जाने से वो सोसाइटी में मिल सकते हैं, तो इसीलिए गवर्नमेंट में भी क्या करता है, उसको जेल में रिड्यूस करते हैं। जैसा कि 10 वर्ष उसको किया तो उसको समझिए कि 2-3 वर्ष उसको माइनस करते हैं कि इसको कैरेक्टर में सुधार आया। तो हम लोग राष्ट्रपति के उसमें डे में अब नेशनल फंक्शन होता है, यहाँ भी नेशनल फंक्शन होते हैं, नेशनल फंक्शन में भी हम लोग जेलर का रिकमेंडेंस में राष्ट्रपति ने उसको क्या जेल माफ करते हैं, किस तरह से करते हैं, उसको कैरेक्टर में सुधार आया। जब जेलर ने उसको संपूर्ण मूल्य एवेल्युएशन कर रिकमेंडेशन कर देगा, और राष्ट्रपति ने उसको रिड्यूस कर देते हैं, इस तरह से सुधार कर हम ले जाते हैं। सर, मैं फिर आपकी तरफ आना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नॉर्मली इस पूरी दुनिया को चलाने के लिए जो जजमेंट पास हो रही है वो तो परमात्मा से ही खैर हो रही है, पर आपको यहाँ जो बिठाया है इस चेयर पर जज की, तो वो भी आप भी एक तरह से उनका एक पार्ट ऑफ हिज रोल आप प्ले कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप उस चेयर पर बैठते हैं तो आप परमात्मा को याद करते हैं या नहीं? सही बात, हम लोग पहले पहले ये बोलते हैं,
तो जज है ना, जो जजमेंट करते हैं वो भगवान के रूप लेते हैं, जो पूर्वीय दर्शन में भी वैसे बोलते हैं। तभी हम बोले हैं ना, एक जो जजमेंट का जो चेयर है ना जी, उनको क्या अंतर आत्मा से क्या है, जस्ट क्या है, अनजस्ट क्या है, वो सही या गलत, वो क्रिमिनल है या नहीं है, इनको छुटाना है, उनको मूल्यांकन करके जजमेंट करना है। इसीलिए वो गॉड को, जो परमात्मा को हम लोग समझते हैं और देखते हैं, फिल्मी में देखते हैं, हमारा भी देश में है जो गीता के सोते हैं, कसम खाते हैं, कसम खाते हैं, और इंडिया में भी, नेपाल में भी हम लोग जो बकपत्र बोलते हैं, जो स्टेटमेंट लेते हैं उस सब उस वक्त में उसको भी शपथ करते हैं, ईमानदारी पूर्वक से अथवा झूठ नहीं बोलकर हम लोग बोलते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम लोग गॉड मानते हैं, कानून में भी व्यवस्था है और हम लोग अपने अंतरात्मा में भी गॉड के अंश रहता है। बहुत अच्छे आपने बात बताई कि परमात्मा को ही याद करके नियमित भाव अगर हम रखते हैं, हमें अगर ये याद रहता है कि हमें जो कर्तव्य निभाने को मिला है वो स्वयं परमात्मा ने दिया है, तो हमें अपना पूरा 100% उसमें लगाना है। अगर इस तरह की स्मृति हमारी वो है जो पावरफुल रहती है, तो हमारे कार्य में भी वो चीज दिखती है, वो सच्चाई ईमानदारी हम लेके चलते हैं। सर बात करें कर्म, आपकी बात को याद करते मुझे याद आया, ये बात करते हैं कर्म योग की, कि कहा है, गीता में भी बात कही है, कर्म योग सबसे श्रेष्ठ योग है। हमने ये किया कि हमने कर्म और धर्म को अलग कर दिया, कहीं ना कहीं हम कर्म करते हैं तो परमात्मा को भूल जाते हैं, या तो फिर धर्म करते हैं तो उसी उतना तक ही याद रहता है, तो दोनों को हमने अलग कर दिया। पर आध्यात्म ये कहता है कि कर्म जब हम कर रहे हैं तो परमात्मा की याद में करें, माना अध्यात्म दोनों को फिर जोड़ता है। तो जैसे कि आपने कहा कि कर्म करते करते उनकी याद में रहना, उनके प्रेम में रहना, उनकी प्रेरणाओं को रखना, तो जैसे कि समाज में एक मान्यता है कि अध्यात्म जो है उस समय किया जाए जब हम हर कार्य से निवृत्त हो जाएं, पर आप कह रहे हैं कि नहीं, उनको साथ लेके चल। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप कर्म योग में और इन सब अध्यात्म को प्रैक्टिकल लाइफ में लाने में आप कितना बिलीव करते हैं, और आपका क्या संदेश है कि किस तरह से अध्यात्म को लेके चला जाए। आध्यात्मिक जो है ना जी, ट्रेडिशन आध्यात्मिक में बीस उसका आध्यात्मिक होना चाहिए, उसको बाद में भौतिक जो है आज कल उसका घड़ा उसको ऊपर में रहना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है कि बेसमेंट आध्यात्मिक रहना चाहिए, जो उस समय क्या जो कहावत है जी, तो अभी भी मुझे मन में वो लगता है कि वास्तव में विदाउट आध्यात्मिक, गीता के बात बोलते हैं, धर्म के बात बोलते हैं, ये जो गॉड का बात बोलते हैं, अगर इसको माइनस कर कर हम लोग आध्यात्मिक ऊपर ही देखें जोर तो, डाले जोर डाले तो वक्त में सही इंसाफ में सही न्याय में सही तौर में हम पहुंच नहीं जा सकते। इसीलिए कि आध्यात्मिक बेस रह कर भी रहने पे उसमें भौतिक मतलब आजकल की बात वो करना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि आध्यात्मिक में जो गॉड का गॉड गिफ्ट का सवाल, जो गीता का सवाल, जो धर्म का बात, दिव्य दृष्टि है, जो एनर्जी है, उस वो सब समेट कर लेकर जो प्रेजेंट में जो हम लोग को करना है वो करेंगे तो वो सक्सेस होगा। तो इसीलिए काम करने से पहले ये परमात्मा का जो ईश्वरीय शक्ति का ईश्वरीय देन का लेकर अगाड़ी चढ़ने पे हम लोग मानवीय जीवन में सफल मिलता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। मैं आपके से जानना चाहूंगी कि आप यहाँ पर आए हैं ब्रह्मा कुमारीज में, यहाँ बात होती है एक उस विश्व परिवर्तन की, कैसे परमात्मा से शक्ति लेकर उनसे ज्ञान लेकर कैसे हम विश्व में एक भारी बदलाव लाएं। आपका जो परिचय रहा है ब्रह्मा कुमारी से, बहुत समय से आप जुड़े हुए भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन सी दो तीन बातें ऐसी हैं जो आपको बहुत बहुत दिल को छू गई हैं और आप चाहते हैं कि बस ये बातें हैं जो आप जहां जाएं लोगों से शेयर करें। कोई भी राज्य में देखिए कि शांति नहीं है, पीस नहीं है, मिसाइल छोड़ रहा है, गन फायर हो रहा है, बम बारी हो रहा है, और आइए स्टेट में आइए और समाज में आइए और व्यक्ति में आइए। हम एक उदाहरण भी दिए हैं, जब एक जज हैं तो देखते हैं सिविल सूट देखते हैं, क्रिमिनल केस देखते हैं, इसमें एक भाई दूसरे भाई को लपट रहा है, झगड़ रहा है, अब वाइफ एंड हस्बैंड
उसमें मुकदमा लड़ रहा है, फादर इन सन उसमें मुकदमा लड़ रहा है, तो हम लोग सोचते हैं एक बेटा एक बाप आप मुद्दा मुकदमे लड़ रहे हैं, क्यों मिलते हैं, मेडिएशन में आइए, इसमें क्या बात है, घर की प्रॉपर्टी है, घर की बात है, आपको बाहर में नहीं लाना चाहिए, मिलिए। एक मौका देते हैं, दो मौका देते हैं, लेकिन वो मिल जाता है, भले बात ही। मन में छोने के बाद क्या हुआ, सच्चा केंद्र यही है जो हम अशांत से शांत में पहुंच जाते हैं, अधर्म से धर्म में पहुंच जाते हैं, असत्य से सत्य में पहुंच जाते हैं। एक जज है, जज के नाताले इस मोटो लेकर हम कुर्सी में बैठेंगे, किसी को हम इंसाफ अच्छी तरह से दे सकते हैं। इसीलिए जो 20 साल से हम यही केंद्र में लगकर प्रवचन सुनकर इसको ज्ञान लेकर प्रत्येक फंक्शन में भाग लेकर आ रहे हैं। बात में इसमें शांति स्थापना करने के लिए एक ही सूत्र असत्य से सत्य में ला सकते हैं, राम राज्य हो सकता है। हाँ, बहुत खूबसूरत सर आपने बात कही। हो सकता है ऐसी दुनिया ही आ जाए जहाँ ना कोर्ट हो, ना जजमेंट पास करनी पड़े आप लोगों को, ना इस तरह के कुछ क्राइम्स हो, ना कुछ हो, एक सुंदर परिवेश में हम सब रहे यहाँ पर आए, और आपने बहुत अच्छी बातें हमसे शेयर की। आप लोग के भी बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, सक्सेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पर हम सब जानते हैं ये एक आउटकम है हमारी अच्छाइयों का, हमारी टैलेंट्स का, हमारी एबिलिटीज का। पर मुश्किल ये हो जाती है कि जब ये खड़ा भरता है तो हम मैं की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं, और यही मैं एक तरह से उस घड़े को खाली करता है, और कहेंगे कि सक्सेस से हम जैसे एक मुंह के बल गिर जाते हैं। तो ज़रूरत है मित्रों कि हम ग्राउंडेड रहें, डाउन टू अर्थ रहें, और इसी को रियल सेंस में सक्सेसफुल कहेंगे। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। अगली कड़ी में फिर एक मेहमान के साथ हम आपके सम्मुख हाजिर होंगे आपके पसंदीदा शो एक मुलाकात में। तब तक रखिए अपना ख्याल। ओम शांति।